तो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो तो आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि पिछला एक हफ्ता BTS आर्मी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। BTS मेंबर शुगा को लेकर जो ड्रिंक एंड ड्राइव केस हुआ, उनकी मिलिट्री ड्यूटीज़ को लेकर जो क्लेम्स किए गए उसने सभी को हैरान कर दिया है, जिसके बाद शुगा को जमकर हेट मिल रही है। अभी ये सारी कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बार फिर से BTS मेंबर वी और जंगकुक को लेकर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का खुलासा हो चुका है, जो कल से सोशल मीडिया पर K-pop में ट्रेंड कर रही है। और आपका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा अगर आपको पता चलेगा कि BTS मेंबर वी और जंगकुक भी पुलिस केस में या कहूँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग चुके हैं, लेकिन वी और जंगकुक के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, बल्कि वी और जंगकुक किसी और को जेल में कोर्ट में भेज रहे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि फेमस यूट्यूबर सोजांग है, जिसके ऊपर फाइनली तेकुक ने 9 मिलियन कोरियन वॉन का डिफेमेशन सूट फाइल किया है और इसकी अब अपडेट आ चुकी है। सिंपल भाषा में बताऊं तो वी और जंगकुक फाइनली इस यूट्यूबर को जेल में भेज रहे हैं और वी जंगकुक का यह नया कोर्ट केस स्टार्ट हो चुका है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, सोजांग एक कोरियन यूट्यूबर है, जो बताया जाता है एक लेडी है जिसकी उम्र 35 से 40 है, जो पिछले 2 सालों से बहुत सारे कोरियन सेलिब्रिटीज़ को डिफेम करने में, उनकी डेटिंग की खबर उड़ाने में, उन्हें इंसल्ट करने में लगी रहती है, उनके खिलाफ झूठे रूमर्स फैलाती है। वी को भी इसने कई बार अपने टारगेट में लिया है और वी ने तब भी 2 साल पहले इसे धमकी दी थी इसे वो लीगली सू करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे कोरियन सेलिब्रिटीज़ ने तो इसे ऑलरेडी सू किया भी हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत बार जेल में कोर्ट्स में आती जाती रहती है। लेकिन अब नई अपडेट के अकॉर्डिंग तेकुक ने मिलकर इसे सू किया है, जिसमें 90 मिलियन कोरियन वॉन का फाइन इसे देना पड़ सकता है और इसकी हियरिंग कोर्ट में 23rd August को है। पर अगर इस हियरिंग में ये कल्प्रेट पाई गई तो इसे जेल की हवा होगी और आर्मी के लिए काफ़ी अच्छी खुशी होगी कि वी और जंगकुक फाइनली जस्टिस ले पाएंगे, क्योंकि इसने दोनों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया है। बाकी आप लोगों को वी और जंगकुक के इसे जेल भेजने को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।